Say24 Live Review। भागलपुर जिले के नौगछिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर इस्माइलपुर से बिंद टोली बांध तक का जल संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे कटाव रोधी कार्य में अनियमितताओं के विरुद्ध भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद निरसाद के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपालपुर के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन समर्पित किया, जिसमें इस्माइलपुर से विंध टोली बांध पर 2008 में प्रत्येक वर्ष कटाव निरोधी कार्य में खर्च की गई राशि का विभागीय अभियंताओं एवं संवेदक द्वारा की गई बंदरवाट की जाँच की मांग की। प्रतिवर्ष फल्ड फाइटिंग के नाम पर लूट की जाँच CBI द्वारा कराने की भी मांग की। वहीं धरना के दौरान शीतल प्रसाद निरसाद ने कहा है कि कटाव निरोधी कार्य में लगने वाले सामान बोल्डर जियो बैग गुणवत्ता की जांच की जाए, साथ ही अभियंताओं से लेकर संवेदक संपत्ति का जांच उच्च अधिकारी से कराने की भी मांग की। गोपालपुर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक ने कहा कि कटाव निरोधी कार्य के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूरी हो रही है। ग्रामीण किरण कुमार ने कहा कि 40 करोड़ के बाद फिर 8 करोड़ की राशि प्रतिकलित हुई है, जिसका कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसे की लूट हुई है। वहीं ग्रामीण किरण कुमार ने बताया कि जब गंगा का पानी बढ़ा तो नाम मात्र का काम किया गया, जिसमें बड़ाल का थोड़ा काम किया गया था। गंगा माँ ने 3/3 भाग को अपने आगोश में ले ली थी। छो नंबर ठोकर में दरार हो गया था, जबकि अभी पानी का कोई दबाव नहीं है, बढ़ाव नहीं है। क्या कारण है जो घटिया निर्माण हुआ, इसी के चलते नोज धाराशाही हो गया और क्रैक कर गया फटने, और आनंद फानन में यहाँ के पदाधिकारी ने उसको रिवेलमेंट किया, मतलब उसको खाना पूर्ति किया। इससे जाहिर होता है कि यहाँ के पदाधिकारी और संवेदक घोर अनियमितता बरती गए, इसका उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं। तो अभी कि कितनी संपत्ति थी और अभी कितना संपत्ति तिगुना चौगुना हो चुका है। मैं यहाँ कटाव निरोधी में घोर अनियमितता बरती गई है, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी धरना के माध्यम से सरकार महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, और जाँच सिर्फ नहीं हो, CBI की जाँच कराई जाए। यहाँ पर NC बैग या बोल्डर या जो भी जियो बैग इधर 8 करोड़ रुपया इधर 10-15 दिन में आया था, उसमें काम करने का जियो बैग नीचे से करने का, उसकी बंदर बांट हो गई, एक भी पैसा यहाँ पर नहीं लगाएगा। और 18 करोड़ पहले भी आया था, 8 करोड़ बाद में आया, 40 करोड़ का बिंटोली से लेके कमला इस्माइलपुर तक धरना कार्यक्रम किए हैं। इसलिए किए हैं कि यहाँ पर जो 2008 से लेके 2020 तक अरबों खरबों की रुपया इसमें सरकार के खजाने से खर्च हो चुका है। हम कहाँ थे, कटाव कहाँ से शुरू हुआ है 2008 से लेकर 2020 तक, और इस पैसे का कटाव निरोधी योजना में घटिया निर्माण कार्य करके पैसे का बंदर बांट किया है। इतना ही नहीं, इसमें जितने भी जल संसाधन विभाग या बार प्रमंडल के फ्लड फाइटिंग के नाम से जो अलॉटमेंट दिया जाता है, सिर्फ बंदरबाट किया जाता है। बंदरबाट ही नहीं, हम तो मांग करते हैं पत्रकार के माध्यम से, धरना के माध्यम से, कि 2008 से लेके 2020 तक जितने भी यहां पर कनीय अभियंता से लेके मुख्य अभियंता तक, इसमें जो भी कर्मचारी संलिप्त है और संवेदक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इनके पास 2008 में 2008 से लेके और यहां पर कटाव निरोधी कार्य हो रहा है, फिर भी हमारा गांव कटने का भय बना हुआ है।
यहाँ कटाव निरोधी काम कम और लूट ज़्यादा हो रहा है और पैसा आता है कहाँ जाता है कहाँ होता है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बाकी अभी वर्तमान में कुछ समय पहले 8 करोड़ रुपया आया, उस पैसे का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पता चला है कि वह पैसा आना खर्च किए ही वह राशि जो है गबन हो गया है। इस सब की जांच होना चाहिए, हमारी सरकार से ही मांग है और हमारा हमको गांव से प्रेम है, गांव बचाने के लिए हम यहां पर उपस्थित होकर के इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सभी पदाधिकारियों के उनके किए हुए कार्य की जांच हो, बोल्डर की गुणवत्ता की जांच हो, बोरी की जांच हो, सप्लायर की जांच हो, सभी बिंदुओं पर अगर जाँच हो तो सारा मामला उजागर हो जाएगा। अगर इस पर जाँच नहीं होता है मेरा गाँव कट जाएगा और सरकार का पैसा जो भी जनता के प्रति लगा है वह बेकार हो जाएगा। यही मेरा काम है, इसका जांच होना चाहिए एकदम, और वो 8 करोड़ का तो एकदम जांच हो, वह राशि गया कहाँ? आपका परिचय? मेरा नाम किरण कुमार और हम ग्रामीण।